बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवाते हैं। बड़ी जानकारी जो रेवाड़ी से इस वक्त निकलकर सामने आई है, दरअसल आपको जानकारी दे दें कि दो पूर्व सरपंच ग्राम सचिव पर FIR दर्ज की गई है। 52 लाख के गबन में दोषी पाए गए कई लोग। SDM बावल की जांच में पाए गए दोषी, ग्रामीणों ने DC को शिकायत दी थी। तो फिलहाल इस वक्त जानकारी आपको दे दें कि रेवाड़ी में के लोधाना गांव का यह पूरा मामला है। तो लोधाना गांव का यह पूरा मामला है रेवाड़ी के। तो फिलहाल बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर दो पूर्व सरपंच ग्राम सचिव पर FIR दर्ज की गई है। 52 लाख के गबन में दोषी पाए गए कई लोग, तो बड़ी राशि है। और SDM बावल की जांच में ये दोषी पाए गए हैं, ग्रामीणों ने DC को शिकायत दी थी। सीधे रुख करते हैं अधिक जानकारी के लिए अमित का। अमित, जानकारी दीजिए कि पूर्व सरपंच और सचिव पर केस दर्ज किया गया है और 52 लाख रुपए का गबन का ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा मामला? जी ममता, आपको बता दें कि मामला दो ग्राम पंचायतों का है, रेवाड़ी के दो ग्राम पंचायत है, लोधाना और गांव संगवाड़ी। तो पूर्व सरपंच थे दो पर गबन का मुकदमा दर्ज हुआ है 52 लाख रुपए का। इसमें दो ग्राम सचिव और जहां से इंडस्ट्री जो बड़ी ट्रेडर थे उनसे सामान खरीदा गया था करीब 52 लाख रुपए का। तो जांच में धारूहेड़ा जो खंड विकास अधिकारी है उनकी ओर से जांच की गई थी, तो जांच में पाया गया कि दो ग्राम सचिव, दो सरपंच और जो ट्रेडर थे जिनसे सामान खरीदा गया, इसमें एक बैंक कर्मचारी भी शामिल है, उनके साथ मिली भगत करके 52 लाख रुपए का चूना सरकार को लगाया गया। इसके चलते जांच की गई, जांच के बाद DC को जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे में अब गबन का 52 लाख रुपए एक बड़ी राशि होती है, 52 लाख रुपए। ऐसे में किस तरह से ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवों के साथ मिलकर सरकार को चूना लगाया जाता है, ये मामला सामने आया, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों पूर्व सरपंच व ग्राम सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जी ठीक है, दर्ज करने शिकायत तो दर्ज कर दी गई है। चलिए, बहुत धन्यवाद अमित आपका। आगे बढ़